बिलासपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष दीपक राठौर की अगुवाई में संपन्न हुई, जिसमें सदर चुनाव क्षेत्र के सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सभी पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए थे कि भाजपा के भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाएं। वहीं राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ का घोटाला, नोटबंदी में महाघोटाला, जनता की जान से खिलवाड़ किया गया तथा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का दिवालिया निकालने जैसे मुद्दे भी उन्हें समझाए गए। मीटिंग के दौरान कहा गया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। प्रतिनिधियों को संदेश दिया गया कि चौकीदार चोरों के साथ मिलकर देश का खजाना लूट रहा है, लिहाजा चौकीदार को हटाना पड़ेगा। इसके अलावा कहा गया कि अगले 2 दिनों के भीतर सदर चुनाव क्षेत्र को नया राजीव पंचायती राज कांग्रेस अध्यक्ष मिल जाएगा तथा कार्यकारिणी घोषित करके बूथ स्तर पर भाजपा के मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। देखिए, जैसा कि अभी ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का पूरे हिंदुस्तान के अंदर में संविधान के रास्ते कार्यक्रम चल रहा है और हमारी ये कोशिश है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जिलों के अंदर में, जितने भी लोकसभाओं के अंदर विधानसभाएं हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां पर जाकर अपनी बात को रखें। इसी कड़ी में मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में जिला सिरमौर के बाद यहाँ बिलासपुर में आया। हमारे कार्यक्षेत्र के अंदर में जो निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमें दिए हैं, उसमें ये कहा गया है कि किस तरह से वर्तमान सरकार जो पिछले 5 वर्षों से सत्तासीन है, किस तरह से वो हमारे संविधानिक संस्थाओं का दोहन करके, संविधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कैसे वो हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, इस विषय को हमने बूथ बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाना है, ताकि आने वाले समय में जब लोग मत का प्रयोग कर रहे हों तो उन्हें लगे कि हमें देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करना है या देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए वोट करना है। इसी विषय को लेकर हम पंचायतों में, लोगों के बीच में, पंचायती राज प्रतिनिधियों के पंचायती राज प्रतिनिधियों के माध्यम से जा रहे हैं। यही हमारा मेन लक्ष्य है फील्ड में जाने का। बैठक के दौरान हर पदाधिकारी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हर पदाधिकारी को तय समय सीमा के अंतर्गत बूथ पर जुड़े कार्यकर्ताओं से शक्ति ऐप से जोड़ा जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक राठौर के अलावा जिला अध्यक्ष DCC बंबर ठाकुर, उपाध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, शैलेंद्र भटोल सहित जिला के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ के हीरापाल ठाकुर, राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में कहलूर रियासत के अंतिम शासक राजा आनंद चंद की पुत्री डॉक्टर सुनंदा चंद ने विधिवत तौर पर कांग्रेस को ज्वाइन भी किया।